जहां पे अगर देखें खाली होती है या कोई जगह खाली होती है, जिस हिसाब से हिंदुस्तान तरक्की की ओर बढ़ रहा है और लोग जो है ग्रीन ट्रेन में बैठकर अदब को, जुबान को और शायरी को पीछे छोड़ जा रहे हैं, तो काफी तकलीफ हो रही है। आजकल की अगर हम इदारे देखेंगे जिनमें उर्दू की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उर्दू जबान ऐसी हो गई है जो गैर अहम हो गई है। हम लोग अपने बच्चों को वो पढ़ने के लिए बोलते हैं जिससे पैसे कमाए जाए। कई ऐसे अदारे हैं उर्दू के जो बंद हो गए हैं, लेकिन अफसोस ये है कि उनके हित में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर ये हिंदुस्तान नहीं होता तो ये उर्दू जबान भी नहीं होती। उर्दू जबान जो है, और उर्दू जबान का जो पहला नाम है वो हिंदी है। हिंदी का मतलब हिंदुस्तान में पैदा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मैं आपको एक शायर का पढ़ के बताती हूँ। उर्दू एक ऐसी जबान है जिसकी खुशबू नहीं होगी तो हर हवा फीकी हो जाएगी। तरीके से हवा जो खुशबू घोल सकती है, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। अगर हम देखेंगे 75% उर्दू जबान पर जो अल्फाज है वो संस्कृत और प्राकृत से लिए गए हैं, और 25% जो है अरबी और फारसी से लिए गए हैं। उर्दू जबान हर किसी के दिल में है, लेकिन उर्दू जो है काफी 3-4 सालों से जो है विरोध में है, क्योंकि लोगों का मानना है कि उर्दू मुसलमानों की जबान है या तो पाकिस्तान की जबान है। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि 75% जो इसके अल्फाज है संस्कृत और प्राकृत से लिए गए हैं, फिर उर्दू कैसे मुसलमान की या पाकिस्तान की जबान होगी। उर्दू जबान जो है वो हिंदुस्तान की जबान है, और इसमें लोगों के बसने वालों की जबान। आज हम लोग यहाँ सब इस मंच पे जमा हुए थे उर्दू जबान के बोलने के लिए, लेकिन इसमें जो है कई लोग सियासत को बीच में लाए, जबकि सियासत और उर्दू जबान का कोई तालमेल नहीं। सियासत अपनी जगह है, उर्दू जबान अपनी जगह है। और मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई है कि जहां पे उर्दू जबान जो है खत्म हो रही है, वहां पे मदीन जैसे लोग हैं जो उर्दू जबान को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं सलाम करती हूँ जिनकी वजह से उर्दू लैंग्वेज जो है, उर्दू जबान जो है बरकरार। मेरी बेटी जो है हैदराबाद मिलेनियम स्कूल में पढ़ती है। जब उसको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का मौका मिला तो मैंने कहा बेटा आप उर्दू ले लो, क्योंकि उससे क्या है आगे जाके आप कुरान शरीफ जो है उर्दू मीनिंग से पढ़ सकेंगे, तो आपको समझ आएगी कि अल्लाह ताला का फरमान क्या है, अल्लाह ताला का कलाम क्या है। लेकिन बदनसीबी की उर्दू टीचर ही वहां से हट गई। उसके बावजूद भी मैंने घर पे मौलाना साहब को लगाया जो उनको अरबी और उर्दू दोनों पढ़ाते हैं, क्योंकि उर्दू जबान में दूसरी बात है, हम लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग उम्मती मोहम्मदी हैं, हम लोग मुसलमान हैं। कुरान को हम अरबी में रख लेते हैं, लेकिन हम कुरान की जो टीचिंग्स है उसको मीनिंग से ही नहीं पढ़ते, उर्दू जबान से ही पढ़ते जिस जबान में हमको कुरान समझ आना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह ताला का फरमान क्या है, अल्लाह ताला किस तरह चाह रहे हैं कि हम लोगों की जिंदगी कैसी हो। क्या हम लोगों ने
कभी इस बात को तरजीह दी कि उर्दू हमारी मादरी जबान है और हमारे बच्चे भी ये जबान सीखने चाहिए, हमारे बच्चे भी ये जबान पढ़ना लिखना जानना चाहिए, क्योंकि माशरे में उर्दू जबान की जो है अहमियत खत्म हो गई। क्योंकि अगर आपने उर्दू में डिग्री ली है आप तो कहीं पे जॉब नहीं लेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब आप मानो यूनिवर्सिटी का हाल ले लीजिए, वहां पे जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनकी स्कॉलरशिप जो है बंद कर दी गई क्योंकि वो उर्दू यूनिवर्सिटी। उर्दू पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है और जहां पे कहा जाता है कि उर्दू जो है पाकिस्तान की भाषा है, बहुत ही गलत बात है। 75 साल पहले जो मुसलमान यहां से पाकिस्तान गए वो लोग उर्दू बोलते थे और उनके बच्चे बोलते। उर्दू जबान के लिए कोई मतलब और मिलत की जरूरत नहीं है, वो अपनी जगह एक स्क्रिप्ट है, अपनी जगह जो है एक वोकैबुलरी। हिंदी और उर्दू दोनों का ग्रामर ऑलमोस्ट सेम है, दोनों बहने हैं। आपको अगर याद होगा मुनव्वर राना एक बहुत ही बड़े शायर रह चुके हैं, उनका मैं एक शेर पढ़ूंगी। निपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, निपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू गजल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराता है। शुक्रिया।